हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बेंडिंग ऑफ बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉम्बिनेशन ऑफ लोड का एक केस डिस्कस करेंगे। ओके, जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, हमारी एक बीम है ए बी सी। इसमें बी सी पोर्शन जो है वो हमारा कैसा है, ओवरहैंगिंग पोर्शन है, राइट। बी पे हमारा सपोर्ट है और एक सपोर्ट हमारा कहाँ पे है, ए पे सपोर्ट दे रखा है। यहाँ पे हमारे ए टू डी हमारे कैसे यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। फिर डी पे पॉइंट लोड है 6 किलो न्यूटन का। ई पे है हमारा पॉइंट लोड है 2 किलो न्यूटन का। देन आफ्टर बी सी में हमारा यूडीएल लग रहा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसके हिसाब से या इसके करस्पॉन्डिंग हमें हमारा बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो एज यूजुअल हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती थी, हमें रिएक्शन फाइंड करने होते थे। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सॉरी हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करते थे। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हमारा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हमारा कोई यूज़ नहीं है, राइट। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन ट्रांसवर्स और वाई डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट पे हमारा रिएक्शन आएगा आर ए और यहाँ बी पे हमारा रिएक्शन क्या आएगा, आर बी। दोनों ऊपर की तरफ लगेंगे रिएक्शन, तो हम इसे क्या मानेंगे, पॉजिटिव। आर ए प्लस 2 किलोन्यूटन का यू डी एल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। -2 इंटू कितनी लेंथ तक यू डी एल लग रहा है हमारा, 4 लेंथ तक, 4 मीटर तक। -6 -2 प्लस आर बी, राइट, इंटू वॉट प्लस आर बी -3 इंटू इज इक्वल टू वॉट 0। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू वॉट 8 + 2 10 + 6 16 + 6 22 16 + 6 20 22 किलोमीटर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू अबाउट 0। इसके अबाउट मोमेंट 0 करेंगे तो हम मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं। जैसे हमारे 2 किलो न्यूटन का लोड है, 4 की डिस्टेंस पे इसका सेंट्रोइड से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ए से, इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 माइनस आर बी हमारा क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा एंटी क्लॉक वाइज, तो इसमें करेगा माइनस आर बी इंटू ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 + 2 + 4 मतलब 10 प्लस 3 × 2 इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस यूडीएल का सेंटर कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इससे यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10 प्लस यहाँ पे ये कितनी है 1 मीटर, तो 3 × 2 × सॉरी 10 + 1 मतलब 11, राइट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आर बी आ जाएगा, राइट। तो आर बी इज इक्वल टू व्हाट, 1/10 × 8 × 2 = 16 + 6 = 24 + 12 + 66 इज इक्वल टू 16 + 24 + 12 + 66 डिवाइड बाय 10। (1.8 kN). ओके, यहाँ पे हमारे पास आर बी आ गया, तो आर ए कितना रहेगा, आर ए रहेगा हमारा 22 माइनस आर बी 22 में माइनस 11.8 के, कितना रहेगा 22 - 11.8 इज इक्वल टू 10.2 किलो न्यूटन। हमारे पास अब क्या है, रिएक्शन आ गया, बीम के रिएक्शन आ गए, तो अब हम क्या उसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम सबसे पहले हमारा लोडिंग डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं फॉर शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हमारा लोडिंग डायग्राम क्या हो जाएगा, ये बीम है
यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आ रहे हैं। आर ए हमारा कितना आ रहा है, 10.2। आर बी कितना आया था हमारा, आर बी आया था हमारा 11.8, राइट। यहाँ पे हमारा यू डी एल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, यहाँ पे हमारा 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे हमारा 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। देन आफ्टर यहाँ पे फिर अगेन क्या है, यू डी एल है हमारा कितना, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। सिंपल हम यही करेंगे, शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, सी है, ये पॉइंट डी है, और यहाँ पे डी है। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम ए टू डी हम कहीं पे सेक्शन कट करेंगे और फिर इक्वेशन लिखेंगे। फॉर ए डी सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, बी एक्स इज इक्वल टू 10.2 माइनस और 2 इंटू, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स की, राइट। इस इक्वेशन में हम एट एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इससे हमारे पास बी ए आएगा कितना आएगा, 10.2 माइनस 0 इज इक्वल टू 10.2 किलो न्यूटन। एट एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास इससे हमारे पास क्या आएगा, बी एट डी आएगा कितना, 10.2 माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 10.2 में से 8 गए तो 2.2 किलोमीटर, राइट। यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स क्या है, ए से डी कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू एक्स के साथ नेगेटिवली डिक्रीज कर रही है, राइट। तो इसका डेल वी ओपन डेल एक्स निकालेंगे, डेल वी ओपन डेल एक्स हमारे पास कितना आएगा, 0 माइनस 2, मतलब 2 के स्लोप के साथ शेयर फोर्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मतलब ए पॉइंट पे हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10.2 है। डी पॉइंट पे हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, डी पॉइंट पे हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू 2.2 है, और ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है विद स्लोप ऑफ, यहाँ पे इसका स्लोप कितना है, -2 किलो न्यूटन का, ओके। इतने स्लोप के साथ ये क्या हो रही है, रेगुलर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। अब हम फोर्स सेक्शन लिखेंगे डी टू पी, फोर डी टू डी टू ई के लिए हम शेयर फोर्स की इक्वेशन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जब शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, वी एक्स मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस और ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्योंकि तो किसके बराबर होगा, उस सेक्शन पर लगने वाले शेयर फोर्स के बराबर, राइट। ये सारी चीज़ें हमने बहुत बार डिस्कस की है, 10.2 माइनस 2 इंटू 4। इस सेक्शन के यहाँ पे 6 किलो न्यूटन का भी लोड आएगा, वो भी कैसा लग रहा है, -6 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इज इक्वल टू शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 10.2 -8 -6, तो ये आती है -3.8, -3.8 किलो न्यूटन। वैल्यू हमारी क्या आ रही है, कॉन्स्टेंट आ रही है, वैल्यू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि शेयर फोर्स की वैल्यू डी टू ई हमारी कॉन्स्टेंट ही रहेगी, मतलब वी एट डी कितना रहेगा, -3.8, और शेयर फोर्स वी एट ई हमारा कितना रहेगा, -3.8, मतलब शेयर फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी है, -3.8 है ई पे, उसके बाद भी यहाँ पे भी कितनी रहेगी, ई पे -3.8। अब हमारा क्या है, ई टू बी, ई टू बी के लिए हम सेक्शन कहाँ कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, तो शेयर फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, फोर ई टू बी हमारे पास क्या रहेगा, वी एक्स इज इक्वल टू 10.2 -2 इंटू 4 -6 -2, ये कितना आएगा हमारे पास, -5.8 किलो न्यूटन। यहाँ पे भी हमारी शेयर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, शेयर फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू हमारी कंसिस्टेंटली उतनी की उतनी ही रहेगी, राइट। मतलब शेयर फोर्स एट ई इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट बी इज इक्वल टू व्हाट, -5.8, राइट। ई पे मतलब यहाँ पे 3.8 थी, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारी 5.8 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -5.8, और फिर इतने बी पे कॉन्स्टेंट रहेगी। अब हमारा है बी टू सी, जब बी टू सी के लिए हम डिस्कस करेंगे तो बी टू सी के लिए हम सेक्शन कहाँ कट करेंगे, कहीं यहाँ पे, जब सेक्शन यहाँ पे कट करेंगे तो हम समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और
राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन ले लेते हैं, राइट। तो हम लेफ्ट से ही चलते हैं। फोर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, राइट। फोर लेफ्ट हैंड साइड फॉर बी टू सी। तो वी एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 10.2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस, यहाँ पे इतना यूडीए लग रहा है एक्स डिस्टेंस पे बी से एक्स तक कितना है 3 इंटू एक्स का, राइट। तो माइनस 3 इंटू एक्स का, इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया हमारा माइनस 5.8 माइनस 3x, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग हमारा शेयर फोर्स वेरी करेगा, तो यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो डेल बी ऑफ, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, शेयर फोर्स एट बी, मतलब एट x इज इक्वल टू व्हाट, 10 मीटर। यहाँ पे माइनस 5.8 माइनस 3 इंटू 10, राइट। सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस हो रही है, शेयर फोर्स के इक्वेशन में यहाँ पे ऊपर की तरफ वी बी भी तो लग रहा था, उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक मिनट, ये इक्वेशन हम फिर से लिखते हैं। वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल टू 10.2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस, यहाँ पे वी बी पे एक रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, वी बी पे रिएक्शन कितना लग रहा है 11.8 का, तो प्लस 11.8 माइनस यू डी एल 3 इंटू एक्स, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा इक्वेशन, 10.2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 11.8, यहाँ पे ये यह आएगा हमारा 6 माइनस 3 इंटू 6x, ओके। यहाँ पे ये कितना है, 10 मीटर है, और हमने x इतना अज्यूम किया, मतलब हम x यहाँ पे यहाँ से अज्यूम कर रहे हैं, अगर यही x हम यहाँ पे टोटल अज्यूम करते हैं तो हमारे यहाँ पे 3x की जगह क्या आता, 3x की जगह आता 3 इंटू वॉट x माइनस 10 आता, अगर हम a से ही कंसीडर करके चलते हैं, तो हम रेगुलरली a से ही कंसीडर करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 माइनस 10 करेंगे, राइट। थ्री माइनस टेन करेंगे मतलब यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 10 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले क्या होगी, फॉर वी एट बी, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर, तो यहाँ पे हमारे पास वी बी कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू 10 माइनस 10, तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो वी बी कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से वी बी आ जाएगा 6 किलोमीटर। करस्पॉन्डिंग हमारा वी सी कितना आ जाएगा, बी सी मतलब लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हम कितना पुट करेंगे, 12, 6 माइनस 3 इंटू 12 माइनस 10, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी पे हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, बी पे शेयर फोर्स की वैल्यू 6 है, और सी पे हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। और यहाँ पे इसका स्लोप कितना होगा, शेयर फोर्स की इक्वेशन का जो स्लोप रहेगा, तो डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0, मतलब माइनस 3 का स्लोप आया, माइनस 3 का स्लोप आया, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना रहेगा, माइनस 3। तो आपको मतलब हर सेक्शन के बीच में शेयर फोर्स डायग्राम पता चल गया है। अब हम एक साथ इसे ड्रॉ करते हैं, हमारा शेयर फोर्स डायग्राम क्या रहेगा, ये हो गया हमारा लोडिंग डायग्राम। यहाँ पे हमारा रिएक्शन कितना आ रहा था, रिएक्शन आ रहा था 10.2 एंड 11.8, यहाँ पे रिएक्शन आ रहा 10.2 और यहाँ पे कितना है 11.8। यहाँ पे हमारे यूडीएल है 4 मीटर की लेंथ तक, फिर यहाँ पे 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, दो मीटर के बाद हमारा 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और यहाँ पे हमारी फिर से यूडीएल है,
जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 3 किलो न्यूटन पर मीटर की, और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी दे रखी है हमें 2 किलो न्यूटन पर मीटर की। इसके करस्पॉन्डिंग हम हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। इनिशियली हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आई है 10.2, उसके बाद ही कंटिन्यूसली डिक्रीज करके कितनी डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे वैल्यू आती है हमारी 2.2। फिर सडन पॉइंट लोड लगता है 6 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, शेयर फोर्स की वैल्यू होती है 2.2 माइनस माइनस 3.8। फिर हमारा ये ए पॉइंट है, बी सी डी एंड ई। डी टू ई कॉन्स्टेंट है, शेयर फोर्स 3.8 चलता रहता है, यहाँ पे वैल्यू 3.8 है। फिर ई पॉइंट पर सडन लोड लगता है 2 का, तो यहाँ पे माइनस 5.8 हो जाती है। फिर ई टू बी भी हमारा शेयर फोर्स के साथ कॉन्स्टेंट चलेगा, और बी पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा है हमारा 11.8 का लोड लग रहा है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 6 की। फिर यहाँ से हमारी ये 6 वैल्यू, और यहाँ पे सी पे 0 होती है, और ये मूव करता है। यहाँ पे इसका स्लोप कितना है -3 का, यहाँ पे इसका स्लोप कितना है -2 का, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम यही करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे हर सेक्शन या हर सेक्शन के मध्य, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम उसके एंड पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे, और उसका स्लोप कैसा है वो देख के डायग्राम बना देंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, लोडिंग एक बार फिर से बना देते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमारा लग रहा है 10.2, यहाँ पे लग रहा है 11.8, यहाँ पे ये UDL है, यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे 2 का, यहाँ पे ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर का है, यहाँ पे हमारे कितना दे रखा है ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये ए बी सी डी एंड ई, सिंपली हम यही करेंगे, यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे और ए से डी के बीच मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। मोमेंट की इक्वेशन क्या रहेगी, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन प्रोवाइड्स मोमेंट एट दैट सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमारी फॉर ए टू डी के लिए क्या होगी, मोमेंट की इक्वेशन एम एक्स इज इक्वल टू व्हाट 10.2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी x, ये तो फोर्स हो गया, और इसके सेंटर पर लाई करेगा कितने x बाय 2 पे, तो मोमेंट की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 10.2 माइनस x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारी क्या आएगा एम ए की वैल्यू कितनी आएगी 10.2 इंटू सॉरी यहाँ पे भी क्या रहेगा एक्स रहेगा 10.2 इंटू व्हाट 0 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट ए कितना है 0, एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट 4 मीटर पे हमारा क्या रहेगा मोमेंट एट व्हाट डी 10.2 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास मोमेंट एट डी आएगा 10.2 इंटू 4 माइनस 16, 24.8 आएगा, प्लस में 24.8 किलो न्यूटन मीटर, ये 4A2D होगा। अब हम सेक्शन यहाँ पे कट करेंगे और अगेन मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, तो 4D2E, D2E के लिए हमारे मोमेंट की इक्वेशन क्या रहेगी mx इज इक्वल टू व्हाट 10.2 इंटू एक्स माइनस, अब ये पूरा का पूरा UDL लगेगा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है ये x है, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से हमारे पास बीम है, यहाँ पे हमारा कितना लग रहा है 10.2 का लोड लग रहा है, फिर यहाँ पे ये 4 मीटर तक UDL है,
6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और यहाँ पे हमने कहीं सेक्शन कट किया है, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कितने पे है, x पे हमने सेक्शन कट किया है, तो 10.2 इंटू एक्स। अब ये UDL कितना है हमारा, 2, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस हमारी है 4 मीटर, राइट। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 4 का, और ये कहाँ लाया करेगा, इसके सेंटर पे। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 2 मीटर है, और ये भी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो इस फोर्स की इस सेक्शन से कितनी डिस्टेंस होगी, x माइनस 2 मीटर, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, x माइनस 2 मीटर। तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 2, राइट। देन आफ्टर 6 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे लग रहा है और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 2 मीटर है। तो 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और उसकी इस सेक्शन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, और लोड हमारा कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉक वाइज ही है, तो माइनस का माइनस आएगा। देन आफ्टर 6 इंटू एक्स माइनस वॉट, ये डिस्टेंस निकाल लेते x माइनस, ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 के बराबर, तो x माइनस 4। इस तरह से हम सेक्शन x x पे मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। देन आफ्टर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा 10.2 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 8 एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस 16 माइनस 6 एक्स प्लस 24, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 10.2 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 6 एक्स, मतलब 10.2 माइनस 8 माइनस 6 तो माइनस 3.8 एक्स, माइनस 3.8 एक्स, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितना चलेगा, प्लस 16 प्लस 24, प्लस 16 प्लस 24 ये प्लस 40, ये हमारी क्या होगी, मोमेंट की इक्वेशन होगी बी टू ई। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं हमारा मोमेंट एट डी कितना होगा, मोमेंट एट डी मतलब इस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 4, कितना आएगा, माइनस 3.8 इंटू 4 माइनस सॉरी प्लस 14, माइनस 3.8 इंटू 4 प्लस 14, ये आता है हमारा 24.8 किलो न्यूटन मीटर। फिर आता है हमारा मोमेंट एट ई, मोमेंट एट ई मतलब एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 6 मीटर, ये कितना आएगा, माइनस 3.8 इंटू 6 प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस 3.8 टू 6 प्लस 14, तो ये 17.2 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पे ये मोमेंट आया। इसके बाद हमने देखा कि इसके बीच में जो मोमेंट की इक्वेशन बन रही है वो हमारी कैसी है, यहाँ पे मोमेंट की इक्वेशन कैसी है, पैराबोलिक है, राइट। पैराबोलिक के लिए हमने देखा था कि हमारा पैराबोला कौन सा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा या डिक्रीजिंग बनेगा, राइट। उसके लिए हम क्या करते थे, इसके स्लोप को डिफ्रेंशिएट करते थे, डेल एम ओपन डेल एक्स, डेल एम ओपन डेल एक्स करके हम निकाल देते कि वैल्यू हमारी क्या हो रही है, एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है, देन इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारा एक यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, इसके बीच में या तो ये पॉजिटिवली इंक्रीजिंग का कर्व बनेगा या पॉजिटिवली डिक्रीजिंग का कर्व बनेगा, तो 10.2 माइनस 2x आएगा। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, स्लोप हमारा कैसा होगा, पॉजिटिवली डिक्रीजिंग। इसके लिए हम इस कर्वेचर को प्रीफर करेंगे, राइट। ये कर्वेचर हमारा होगा वन नंबर का। तो ये तो हमारा हो गया ए टू डी के लिए। डी टू ई के लिए हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, राइट। स्ट्रेट लाइन कैसे आई, डी एम अपन डी एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा स्लोप कैसा आएगा, हमारा स्लोप आएगा कॉन्स्टेंट, तो डी एम ओपन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 3.8, मतलब कॉन्स्टेंट स्लोप के साथ वैल्यू चेंज होगी। तो हमारा यहाँ पे डी पे कितनी वैल्यू है, 24.8 है, फिर क्या है, ई पे हमारी वैल्यू कितनी है, 17.2 है, और उसका स्लोप कितना है, कॉन्स्टेंट है, कितना है, माइनस 3.8, ओके, 3.8 का स्लोप आ गया। अब हम फर्दर आगे लिखेंगे इक्वेशन फॉर ई टू बी,
फॉर ए टू बी। ए टू बी के लिए सेम मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे हमारा लोड लग रहा था कितना 10.2 का, यहाँ पे हमारा ये यूडीएल 2 का, यहाँ पे 6 किलोमीटर का लोड लग रहा है, यहाँ पे हमारा 2 किलोमीटर का लोड लग रहा है, ये ई पॉइंट है और यहाँ पे ये बी पॉइंट है और सेक्शन हमने कही यहाँ पे कट गया। ओके, अब मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं हम। तो मोमेंट की इक्वेशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एम एक्स क्या है, एम एक्स इज इक्वल टू 10.2 इंटू एक्स राइट प्लस सॉरी माइनस, बाकी फोर्सेज इसको होल्डिंग करेंगे, माइनस 2 इंटू ये रेजिस्टेंस कितनी है 4 है, 2 इंटू 4 टू ये फोर्स एक्स से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स माइनस 2 डिस्टेंस पे। फिर यहाँ पे कितना लग रहा है 6 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ये डिस्टेंस कितनी है 2 है तो एक्स माइनस 6 राइट। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 10.2x माइनस 8x प्लस 16 माइनस 6x प्लस 24 माइनस 2x प्लस 12 राइट। तो एम एक्स की इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास 10.2 माइनस 8x माइनस 6x माइनस 2x, तो 10.2 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 2 तो यहाँ से हमारा आया माइनस 5.8 राइट, माइनस 5.8x प्लस 16 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 52, ये हमारी मोमेंट की इक्वेशन आई। अब हम निकालते हैं एट ई टू बी, ई पे हमारा x इज इक्वल टू कितना 6 है और बी पे x इज इक्वल टू कितना है 10 है राइट। तो एट x इज इक्वल टू 6 पे हमारा मोमेंट कितना आएगा, एम एक्स इज इक्वल टू माइनस 5.8 इंटू 6 प्लस 52 इज इक्वल टू माइनस 5.8 इंटू 6 प्लस 52 यह आया हमारा 70.2। ओके, देन आफ्टर एम एट बी माइनस 5.8 प्लस 10 प्लस 52 इज इक्वल टू 58 माइनस 52 यहाँ पे आएगा माइनस 6 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब हम स्लोप देखते हैं इस इक्वेशन को, हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एम अपॉन डी एक्स कितना आएगा हमारे पास माइनस 5.8, मतलब स्लोप कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारे मोमेंट की इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन रहेगी। इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 17.2 रहेगी, फिर ये जीरो से नीचे जाएगा कितने माइनस 6 पे और इसका स्लोप कितना आएगा हमारा माइनस 5.8 के बराबर। ओके, ये हमारा क्या हो गया बी पॉइंट हो गया। फिर अब हम लास्ट इक्वेशन लिखते हैं हमारी फॉर बी टू सी राइट। बी टू सी के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा 10.2 है, यूडीएल लग रहा है 6 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 11.8 है, देन फर्दर यहाँ पे क्या है यूडीएल है, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर का है और यहाँ पे ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर का है। अब सेक्शन हम कहीं यहाँ पे कट करेंगे, तो अब आप मोमेंट की इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हो और राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हो। जब लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे तो हमारे मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, एम एक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 10.2 राइट इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2 इंटू व्हाट एक्स माइनस 6 माइनस नहीं यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि फोर्स हमारे कैसे ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको ये सेक करेगा राइट,
11.8 into x माइनस 10 माइनस ये 3 किलो न्यूटन का लोड है वो इतनी डिस्टेंस पे लग रहा है 3 इंटू वॉट ये डिस्टेंस कितनी है x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। एक इक्वेशन हमारी ये बनेगी। दूसरी अगर हम राइट हैंड साइड से चलते हैं तो मोमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी हमारी एम एक्स इज इक्वल टू वॉट 3 इंटू ये डिस्टेंस हम बी से अब लास्ट सपोर्ट सी से ले रहे हैं अब एक्स डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे अब ये एक्स डिस्टेंस होगी। एक्स डिस्टेंस जब ये होगी राइट हैंड साइड से फ्रॉम राइट हैंड साइड ओके राइट हैंड साइड से हमारी एम एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी 3 इंटू एक्स अपॉन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन राइट। अब यहाँ पे हम जब मोमेंट एट बी निकालेंगे तब x की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी तब हमारी x की वैल्यू कितनी रहेगी 2 मीटर। यहाँ से b की वैल्यू कितनी है ये 2 मीटर एट x इक्वल टू 2 पे हमारे मोमेंट एट b कितना रहेगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 बस ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 किलो न्यूटन मीटर ओके। और इस एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंग ये लोडिंग जो है वो इसको क्या कर रहा है होग कर रहा है तो होगिंग के कारण यहाँ पे मोमेंट की इक्वेशन में क्या आएगा नेगेटिव आएगा ओके। एंड मोमेंट एट सी मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी -3 × 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे मोमेंट कितना है -6 का है देन आफ्टर ये कितना हो रहा है बी पे -6 है और फिर यहाँ पे सी पे कितना हो रहा है 0 हो रहा है उसके बीच में यहाँ पे क्या होगी या तो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर ये कर्व होगा या फिर ये कर्व होगा। यहाँ पे हमारा कर्व कैसा बनेगा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मतलब स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं पैराबोलिक कर्व है इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे -3 × 2x / 2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या आएगा ये -6x। मतलब स्लोप हमारा क्या होगा x की वैल्यू हम क्या करेंगे जैसे जैसे यहाँ से हम ले रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारी x की वैल्यू कितनी है 2 है फिर कितनी होगी 1 होगी फिर पॉइंट होगी तो हमारा स्लोप कैसा होगा नेगेटिव तो है ही विद डिक्रीजिंग राइट। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो -12 आएगा जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी -6 आएगी जब 0.5 पुट करेंगे तो -3 आएगा नेगेटिव डिक्रीजिंग मतलब स्लोप कैसा है हमारा नेगेटिव है और डिक्रीज इस तरह हमारा स्लोप के मैग्नीट्यूड क्या होगा डिक्रीजिंग होगा यहाँ पे स्लोप कुछ 12 है तो यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा ओके। तो फाइनल पेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे लोड लग रहा है हमारा 10.2 का राइट यहाँ पे लग रहा है 11.8 का यहाँ पे UDL है यहाँ पे 6 का लग रहा है यहाँ पे 2 का लग रहा है और यहाँ पे आगे हमारा क्या है UDL है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनेगा हमारा इनिशियल मोमेंट की वैल्यू 0 है फिर इस कर्व के साथ यहाँ पे वैल्यू हाईएस्ट को टच करेगी और यहाँ पे हमारी ए बी सी डी और ई डी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है डी पे हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है 24.8 राइट। तो 24.8 देन आफ्टर डी टू ई हमारा स्ट्रेट लाइन के साथ कितने स्लोप से -3.8 के स्लोप से डिक्रीज करके ई पे हमारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है 17.2 राइट। ई पे हमारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है 17.2 यहाँ पे हमारी वैल्यू है 17.2
ये है ए, ये डी, ये ई। बी पे हमारा स्लोप फर्दर डिक्रीज करके कितना हो रहा था, स्ट्रेट लाइन ही है और यहाँ पे स्लोप कितना है 5.8 का, और यहाँ पे बी पे हमारी मोमेंट की वैल्यू कितनी आई, बी पे हमारी मोमेंट की वैल्यू है -6, राइट। -6 का मतलब क्या है, ये कर्व कैसा बनेगा हमारा, यहाँ पे आएगी -6, मतलब इस तरह से ये डिक्रीज करेगी। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -5.8। फिर हमारा बी टू सी में, बी पे तो -6 ही है और सी पॉइंट पे हमारा मोमेंट कितना आ रहा है, 0, राइट। और हमारा कर्व कैसा हमने देखा था, डिक्रीजिंग। इस तरह से राइट, यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा इसका, 0 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। इस तरह से हम सिंपली सपोर्टेड बीम में वेरियस लोड के करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे ये कैसा है, पैराबोलिक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे ये भी क्या है, पैराबोलिक। ओके, इस तरह से हमने बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अब अगली क्लास में या तो एग्जाम्पल देखेंगे या फिर हम अगली यूनिट देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।